अस्सलामुअलैकुम यूवर्स, अभी मैं नवाबी चिकन मसाला पका रही हूँ। ये नवाबी चिकन ग्रेवी है। अब इसमें थोड़ा गोश्त गलाना है। अच्छे से वाश कर ली हूँ ये। उन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। अभी इसको ऑन कर लेते हैं। इसमें तेज पत्ता डाल रही हूँ। बस इसमें इतना ही डालूंगी, थोड़ा पानी डालूंगी, हाफ कप पानी डालूंगी। अब इसमें थोड़ा बॉईल कर लेते हैं। देखिए अभी ये मसाले हैं, ये 10 से 12 काजू, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 जावित्री, 1 हाफ जायफल का टुकड़ा और ये तुअर की दाल है। इसमें नवाबी मसाले में जाएगी ये। और ये चारों मगज़ है, ये चारों मगज़ है। और ये जीरा सालन में जाएगी। और एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 3 इलायची, इतना मसाले में जाएगा और ये सालन में जाएगा। ये अब इसको ग्राइंड करना है। ये सूखे मसाले हैं, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और ये 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये नवाबी शाही मसाले में कोकोनट मिल जाएगा। अभी ये चारों मगज़ डाल रही हूँ। तेज पत्ता, तुअर की दाल, ग्रेवी के लिए ये सब भूनना है। ये सौंफ, ये जीरा, ये सालन में जाएगी और ये भूनने के लिए एक एक करके भून लूँगी। अभी काजू डाल रही हूँ, जीरा सौंफ डालूँगी। इसको थोड़ा थोड़ा भुनना लो फ्लेम पे। अभी ये सब जाएगा इसमें। इसको लो फ्लेम में भुनना है। बहुत अच्छी होगी ये ग्रेवी। ये मेरे स्टाइल से बना रही हूँ। इसको ठंडा होने तक वेट करके बाद में ग्राइंड करना है। थोड़ा वाइट होए तक चिकन ये इसको बॉइल्ड करना है। देख लेंगे ये वाइट है या क्या नहीं। थोड़ा थोड़ा हो गया है, ये पिंक शेड है ना, वो जाना चाहिए। ग्राइंड कर लेंगे इसमें। नवाबी चिकन ग्रेवी है व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी लजीज बनेगी। मैं अपने खुद की पसंद से बना रही हूँ, आप भी घर में ट्राई करके देखना। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। बड़े साइज के 4 टमाटर डालूंगी और 2 मीडियम साइज के प्याज डालूंगी। इसके 4 प्याज डाल रही हूँ इसमें। अभी इसमें कट करके डालना है, मीडियम साइज के 4 प्याज और मीडियम साइज के 4 टमाटे। बस अभी मैं तेल डाल रही हूँ, 3 चम्मच डाल रही हूँ। बाद में इसमें घी का तड़का भी देना है, देसी घी का। इसमें जीरा डाल रही हूँ, करी पत्ते जाएगा। करी पत्ते को कट करके डालना है। अच्छे से भून लेती हूँ इसको। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। ये मसाला ग्राइंड करी थी ना मैं, वो डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ। टमाटो का मसाला डाल रही हूँ। ये मसाले भी ऐड कर लेंगे इसमें। अभी वो भुने हुए पूरे मसालों का अच्छे से स्मेल आ रहा है। 1 कप दही डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ दही है, मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं। दही से लो फ्लेम पे मिक्स कर लूँगी। दही को अच्छे से फेंट कर डालना है। उसमें बचा हुआ पानी अभी डालती हूँ। अब इसको हाई फ्लेम में पका लेंगे। थोड़ा मसाला पकने तक इसको बंद करेंगे लिड। चलो ये बस अभी देखते हैं। ये तो अच्छे से पक गया है। अब ये तेज पत्ता निकाल लेती हूँ मैं। इसमें डाल देंगे चिकन। ये 5 मिनट बॉईल कर ली हूँ, आपको बताया ना था बीच। ये चिकन गलाई थी ना, मैं वो पानी डालती हूँ, लेफ्ट ओवर पानी। अभी थोड़ी देर पकने देंगे इसको। चिकन के साथ पक जाएगा ये सालन। अभी इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस जाएगा और इसमें 1 कप कोकोनट मिल्क जाएगा, 4 टेबल स्पून देसी घी जाएगा। भर भर के डालना। इसमें ही मैं मिक्स कर लेती हूँ। अभी हरिया धनिया डालेंगे। अभी ये पक के रेडी है। अभी डिश आउट करती हूँ मैं इसको। इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मैं अभी आलू नहीं डाली।
गई सभी, ये नवाबी चिकन करी बन गई है। देखिए इतनी लजीज है, ये इतनी लजीज है, आप घर में ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें। ये परोठे के साथ भी खा सकते हैं और घी राइस के साथ भी खा सकते हैं और सादी रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। इसमें घी बहुत ज़्यादा जाता है ना, इसीलिए इसे नवाबी करी बोलते हैं। बहुत अच्छी है ये, देखिए आप ट्राई करके देखिए, मेरे को कमेंट करके बताना ये करी कैसी लगी, नवाबी करी कैसी लगी कमेंट करके बताना मेरे को। आप मेरे वीडियोस को अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बेल के बटन को दबाओ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।